हेलो एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माई चैनल नीरज बेटा इस साइट पे मैं अभी अभी मैंने विजिट किया है तो मुझे पता नहीं चला सॉरी लेकिन आपके जो इस्टे राउंड की काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है यूपीसी नेट की ठीक है तो आपको क्या करना है इस वेबसाइट पे जाना है और नीचे आपको क्या करना है स्क्रॉल करना है और उसके बाद में आपको दिख जाएगा ये वाला ऑन कैंपस स्टेड राउंड ऑफ काउंसलिंग फॉर सी नेट बी एस नर्सिंग पोस्ट बी एस नर्सिंग और एम नर्सिंग इज़ लाइव नाउ तो ये आपका पॉपाप हो रहा है ठीक है इस पर आपको क्लिक करना है मैं आपको क्लिक करके दिखाती हूँ कुछ इंटरफेस खुलेगा अब आपको क्या करना है सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है कि क्लिक हेयर टू व्यू बी एस सी नर्सिंग स्टेडराउंड इंफॉर्मेशन ब्राउचर आपको इनफॉर्मेशन ब्राउचर डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड कर लेना ये आपका ऑनलाइन कैंपस राउंड काउंसलिंग ऑफ यू सी नर्सिंग गाइडलाइंस और, और इन्फॉर्मेशन ब्राउचर दे रखा है तो आपका ये स्टार्ट हो चुका है स्केड्यूल फॉर ऑनलाइन ऑन कैंपस राउंड ऑफ काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस तो आपका रजिस्ट्रेशन जो ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है वो अट्ठारह तारीख को हो चुका है थोड़ा मैं डिले हो गई सॉरी उसके लिए तो अठारह तारीख को ये शुरू हो चुका है और आज एंड डेट है आपकी तो बाईस तारीख को छः बजे तक सिक्स पी आपको टाइम दे रखा है और आपको सिक्स पी तक अपने रजिस्ट्रेशन एंड करवा लेने हैं जिनके भी मार्क्स हैं जैसे आप वन थर्टी प्लस या फिर हंड्रेड से नीचे हो तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा या फिर हंड्रेड पे भी हो तब भी आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा और चांसेस हैं कि आपके गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएँ क्योंकि बहुत सारी सीट्स हैं लगभग पचास से साठ सीट्स हैं जो आपकी गवर्नमेंट बची हुई हैं और बाकी हज़ार से चार हज़ार के बीच में आपके हैं प्राइवेट कॉलेज बचे हुए हैं तो उनमें सीट्स बची हुई हैं सॉरी प्राइवेट सीट्स बची हुई हैं तो आपको अगर लेना है तो आप ले सकते हो लास्ट आपका मौका है ये आप आराम से ले सकते हो फिर कह रहे हैं स्केड्यूल फॉर रिपोर्टिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं वो एट काउंसलिंग वेन्यू फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सीट अलॉटमेंट वेस्ड ऑन रैंक ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी पब्लिसड तो आपको क्या करना है बाईस तारीख को बाईस तारीख एट पी एम ट्यूजडे फिर टेंटेटिव काउंसलिंग स्टार्ट होगी आपकी चौबीस तारीख को टेंटेटिव काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी ये आपका वेन्यू दे रखा है अगर आपको गूगल मैप के थ्रू आपको देखनी है लोकेशन कहाँ पे है तो आप देख सकते हो और बाकी आपको एड्रेस दे रखा है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी यूपी सी जी सिटी अगर आप नेक्स्ट ईयर करना चाहते हो तैयारी तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने ना एक सिलेक्शन सिलेक्शन बैच स्टार्ट कर दिया है अपना 2025 का जिसमें मैं आपको पूरी थे कराने वाली हूँ इलेवन टवेल्थ की और प्लस आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी कराऊंगी साथ ही साथ जैसे कि आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी समझ में आए कि हाँ चैप्टर वाइज क्वेश्चन क्या होते हैं कैसे होते हैं ठीक है तो मैंने ऑलरेडी ये सीरीज़ स्टार्ट कर दी अगर आप न्यू नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करना चाहते हो तो आप मेरे चैनल से कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है कोई भी आप इसे एक रुपया नहीं लूँगी मैं ठीक है एक रुपया एक रुपया क्या मैं एक पैसा भी नहीं लूँगी ठीक है तो बिल्कुल फ्री है आप मेरे चैनल पे आके देखें समझें कैसा पढ़ा रही हूँ कैसा नहीं पढ़ा रही हूँ एन सी आर डी बेस्ड होगा पूरा हिंदी में भी पढ़ाऊँगी क्वेश्चन को और इंग्लिश में ही मतलब बाई होगा और आपका जो इंग्लिश का जो कोर्स है जैसे एन है तो वो इंग्लिश में मैं पढ़ाऊंगी साथ ही साथ आपको समझाऊंगी भी कि ये क्वेश्चन कैसे आपको टैकल करना है अगर आपको पढ़ना है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को विज़िट करें और देखें अब अगर आपको सही लगता है कि हाँ मैम अच्छा पढ़ा रही हैं या नहीं पढ़ा रही हैं आप टोटली आपके ऊपर है आपको अच्छा लगता है तो आप पढ़ें नहीं लगता तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैंने ऑलरेडी जो बैच है वो स्टार्ट कर दिया सिलेक्शन बैच दो हज़ार का तो बाई टेक केयर बेटा बाकी आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो आप वेबसाइट पर जा सके दे सकते हो और ई कर सकते हो उनको हेल्पलाइन नंबर भी उन्होंने दे रखा है जो सिक्स पी तक दस ए एम से सिक्स पी एम तक तो खुला रहता है तो आप कोई भी अगर आपको पूछना है कुछ भी तो आप पूछ सकते हो ठीक है फिर आपको जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर दे रखा है एलिजिबिलिटी इस, फॉर इस्टे राउंड की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए स्टे राउंड के लिए तो वही है आपने जो कैंडिडेंट हैं वो फर्स्ट और सेकंड राउंड में ना हों न राउंड में हो तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो ये क्या है विल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट जो एलिजिबल हैं तो फ़र्स्ट में सेकेंड में और थर्ड में जो मौका ग्राउंड है उसमें एलिजिबल उसमें उन्होंने ना लिया वो पार्ट और दूसरे कौन से हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में उन्हें कोई भी कॉलेज या सीट अलॉट नहीं हुई है फिर कौन से और कौन से हैं जो एलिजिबल है? हैं वो ये हैं ये हैं कि अलॉट सीट हैव बीन एडमिटेड तो वो हैव नॉट बीन एडमिटेड जो अलॉटेड सीट मिली थी उसको एडमिटेड नहीं किया उन्होंने तो वो ले सकते हैं इसमें पार्टिसिपेट और उसके बाद में आपसे कह रहे हैं कि वो भी ले सकते हैं जिन्होंने एडमिशन लिया हो कॉलेज में एंड एंड रिजाइन कर दिया हो अलॉटेड कॉलेज को बिफोर फोर्टीन एट दो हज़ार चौबीस मतलब आपको आपने चौदह तारीख से चौदह अगस्त से पहले आपने रिज़ाइन कर दिया हो तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऐसे राउंड में ठीक है तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया बाकी ये जो हैं जो एलिजिबल uh, नहीं है वो ये है कि कैंडिडेंट हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट एंड हैव बीन अमेटेड कॉलेज और अलॉटेड कॉलेज आपके पास में अमेटेड कॉलेज और कॉलेज है और सीट भी है वो नहीं वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते ऐसे राउंड में और दूसरे कौन से नहीं कर सकते हैं जिन्होंने रिज़ाइन ना दिया हो अपने कॉलेज से अनटिल फोर्टीन अगस्त तक तो uh, अगस्त के बाद सॉरी ना दिया हो तो वो आपका इस राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सेम रहेगा वही आपको वेबसाइट पर जाना है डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट इन पे जाना है आपको वहाँ पे रजिस्टर करना है ख़ुद को रजिस्ट्रेशन आई डालनी है फिर आपकी जो भी आपके ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन आपका होगा सारा फैमिली इन्फॉर्मेशन आपको आ जाएगी जैसे लाइक कैंडिडेंट नेम हो गया फादर नेम हो गया मदर नेम हो गया बिल भी ऑटोमेटिकली प्री फिल्ड होगा और सबमिटेड हो जाएगा बाई द कैंडिडेट ड्यूरिंग सीनियर दो हज़ार चौबीस रजिस्ट्रेशन के लिए कैंडिडेट कैन अपडेट डेट ऑफ बर्थ आप अपना अपनी डेट को अपडेट को अपडेट कर सकते हो डी ओ पी को और जेंडर कैटेगरी को भी आप एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन कर सकते हो क्या अपडेट कर सकते हो और फिर उसके बाद में जो अपीयर हैं जो ट्वेल्थ क्लास के अपीयर स्टूडेंट्स हैं ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के तो उनका क्या मिलेगा उनको एग्जामिनेशन ड्यूरिंग एप्लीकेशन प्रोसेस हैविंग टू अपडेट द ट्वेल्थ टेन प्लस टू की मार्कशीट को अपडेट करने का भी आपको चांस मिलेगा फिर कैंडिडेट्स विल ऑल्सो तो हैव टू अपलोड आपको आपकी टेंथ की मार्कशीट और ट्वेल्थ की मार्कशीट भी आपको अपलोड करनी है ऑल कैंडिडेट हैव टू मैंडेटरी डिपोजिट जो चीज़ मैंडेटरी है जो जितनी फीस मैंडेटरी है वो है पाँच सौ रुपए वो आपके नॉन रिफंडेबल है वो आपको रिफंड नहीं होंगे फिर उसके बाद में आपको सीट कन्फर्मेशन फ़ी भी आपको जमा करनी पड़ेगी तो कितने रुपए हैं वो चालीस हज़ार रुपए हैं जो आपको क्रेडिट और डेबिट कार्ड से या फिर डिमांड ड्राफ्ट ओनली एट द काउंसलिंग वेन्यू बिफोर सीट अलॉटमेंट तो सीट अलॉटमेंट से पहले आपको जो काउंसलिंग वेन्यू है वहाँ पे क्रेडिट और डेबिट कार्ड से या फिर डिमांड ड्राफ्ट से ओनली आपको डिपोजिट करना पड़ेगा उधर ही और उसके बाद में है आपका कि आपकी डिमांड ड्राफ्ट है वो ए वी एम को नर्सिंग कॉलेज टेस्ट वो आपका पेबल होगा और देंगे वो आपको फिर कैंडिडेंट हु हैव ऑ ऑलरेडी सबमिटेड सीट कन्फर्मेशन फ़ी जिन्होंने ऑलरेडी सीट कन्फर्मेशन फ़ी जमा कर दी है उनके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है रिसबमिट सीट कन्फर्मेशन फ़ी की ठीक है वॉल्ड जमा कर सकें तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है फिर आप जब वेन्यू पर पहुँचोगे तो आपको एक औरजिनल सर्टिफिकेट देना पड़ेंगे आपको सारे आपके होने चाहिए डॉक्यूमेंट अलॉन्ग दैम और फेलिंग विच अगर हम आप फ़ेल हो जाते हो अगर आपको वो सर्टिफिकेट नहीं मिलते हैं आपको नहीं देते हो आप किसी भी टीचर को जो आपको काउंसलिंग करवा रहे हैं तो आपका एडमिशन नहीं होगा ठीक है फिर उसके बाद में देखिए सारी चीज़ आपके पास में होनी चाहिए ऑल द दिन सुड हैव मेडिकल फिटनेस इशू सर्टिफिकेट तो आपके पास मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए बहुत ज़रूरी है ये इशू होगा आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से जिसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी बोलते हैं और डिस्ट्रिक्ट सी भी बोलते हैं वेन्यू पे जाने से पहले ही अगर नहीं करोगे आप तो आपका एडमिशन नहीं होगा सो तो प्लीज़ आप ध्यान रखें उसके बाद में आपको क्या क्या ले जाना है तो आपको फोटो ले जाती हैं वन सेट फोटो कापी ले जानी है और डॉक्यूमेंट की सारी डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफिकेट की सबकी फिर उसके बाद में क्या क्या चाहिए आपको वन कलर्ड फोटो चाहिए आपको पासपोर्ट साइज़ वो भी और वन नहीं आप ना दो चार ले जाना दो से चार कॉपी ले जाना अपने फ़ोटोज़ की फिर उसके बाद में फ़ोटो आईडी प्रूफ चाहिए आपको आधार कार्ड वोटर कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है आपके पास में बोल ले जाना आप वेरिफिकेशन सीट भी आपको चाहिए जो अपलोडेड थी थी एट द टाइम ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन तो वेरीफ़िकेशन सीट भी आपको चाहिए तो आपके पास में होगी डेफिनेटली फिर पासिंग सर्टिफिकेट भी चाहिए आपका ट्वेंथ और ट्वेल्थ का फिर उसके बाद में रिकॉगनाइज बोर्ड से जिस भी रिकोगनाइज बोर्ड से आपने किया है वो उस बोर्ड का चाहिए फिर सर्टिफिकेट हो जाए होना चाहिए फ्राम द बोर्ड शोइंग द डेट ऑफ बर्थ जिसमें टेंथ मार्क्सिट जो पासिंग सर्टिफिकेट उसको चाहिए फिर टेंथ और ट्वेल्थ का ट्वेल्थ का आपको ट्वेल्थ क्लास का माइग्रेशन सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी चाहिए आपको मेडिकल फ़िटनेस इशू भी चाहिए आपको डेफ़िनेटली चाहिए मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट आप में भूलना क्योंकि अगर भूल जाते हो तो वहां पे एडमिशन नहीं होगा आपका फिर आपका एट नंबर है फॉलोइंग सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल है जैसे कोई एस सी से आता है तो उसको का सर्टिफिकेट चाहिए जो आपके कम्पटेंट अथॉरिटी से होना चाहिए तहसीलदार से ऑफ उत्तर प्रदेश ओनली उसके बाद में फिर ओ बी सी और ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट जो इशू होते हैं बाई द कम्पटेंट अथॉरिटी इशूड बाई द फर्स्ट अप्रैल फर्स्ट अप्रैल दो हज़ार चौबीस के बाद का होना चाहिए आपके बाद में फिर द कैटगरी टूड बी मैंशन इन द लिस्ट ऑफ ओ बी सी नॉन क्रीमी लेयर ऑफ उत्तर प्रदेश ये भी आपका कैटेगरी लिस्ट होना चाहिए फिर आपको देखना है यहाँ पे कि आफ्टर द सीट अलॉटमेंट एक्सेप्टेंस इफ़ एनी कैंडेंट

ऐसे नहीं करना चाहिए इन लोगों को बहुत लूट रहे हैं ये बच्चों को गलत है ये चालीस हज़ार रुपये बहुत होती हैं किसी मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो बेचारा दिन रात मेहनत कर रहा है अपने खेतों में लगा पड़े हैं पिताजी कोई रिक्शा चला रहा है कोई कुछ कर रहा है और आप चालीस हज़ार रुपये रख ले रहे हो ये ये सही है आपका यार समझ नहीं आता इसके पीछे कुछ होना चाहिए यार चालीस हज़ार रुपये बहुत होता है अमाउंट फिर उसके बाद में थर्टीन नंबर है आपका कि देयर इज़ नो फैसिलिटी फॉर ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन तो ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन कोई भी फैसिलिटी नहीं दी जाएगी आपको आपको रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी आपको डेट दे रखी हैं अठारह से बाईस चार दिन आपको दे रखे हैं पूरे पूरे छः दिन सॉरी तो आप उसके बीच में आपको चार दिन ही हैं हाँ चार दिन ही हैं तो उसके बीच में आपको क्या रजिस्ट्रेशन करवा के ही जाना है वहाँ पे ऑन पॉट पे आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा और ना ही होगा वहाँ पे ठीक है तो ये मैंने आपको बता दी है क्या क्या चीज़ आपको ले जानी है डेफिनेटली वहाँ पे ले जाना है और ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी लेके जाने हैं आपको क्योंकि वहाँ पे आपको जमा करनी पड़ेंगे जिस भी कॉलेज में आपको अलॉटेड सीट मिलेगी वहाँ पर ठीक है आपको जमा करने पड़ेंगे इसलिए आप लेके जाना और कोई भी चीज़ भूल के मत जाना अगर आपको एडमिशन लेना है तो